हेलो दोस्तों, आप लोग के ऑनलाइन जो प्रोसेस में स्वागत है। मैं सत्यम कुमार, आप लोग के ऑनलाइन जो प्रोसेस में स्वागत करते हैं करते रहेंगे। आज कुछ मिनटों में बात करने वाले हैं 2021 या 2020 में ई कल्याण द्वारा आप लोगों ने स्कॉलरशिप के लिए अगर आप लोगों ने आवेदन किए होंगे। जी हाँ, 2020 बारे भी लड़कियां देख सकते हैं और 2021 बारे भी लड़कियां देख सकते हैं, चाहे वो टेंथ में हो या ट्वेल्थ हो। जी हाँ, टेंथ हो या ट्वेल्थ हो, आप लोग को कैसे आप लोग को चेक करना है। जी, आज का वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को कैसे आप लोगों को अगर आप लोगों को डीओबी मिसमैच हो गया है। जी, अगर आप लोगों को ई कल्याण में अगर आप लोग आवेदन किए होंगे तो वहां पर आप लोगों को डीओबी मिसमैच हो गया होगा, तो वहां पर आप लोगों को कैसे सुधार करना है, हम आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को वीडियो बनाए थे। आप लोगों ने काफी सारे आप लोग रिस्पॉन्स दिया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जान जाइए, आप लोगों ने काफी सारे वीडियो पर कमेंट किए कि सर हमारा डीओबी मिसमैच होने के बावजूद भी जब हम सुधार कर लेते हैं तो फिर मिसमैच हो जाता है। जी, फिर से मिसमैच होता है, तो आप लोग को जान जाइए, जब आप लोग को कुछ नहीं हो रहा है तो आप लोगों को यहाँ पर आप लोग को ई कल्याण वाले को यहाँ पर आप लोग को मेल करना पड़ेगा। जी, आप लोग को मेल कैसे करना है आप लोग को इस वीडियो में आप लोग बताएंगे। जी, आप लोग को मेल वहाँ पर आप लोग को कैसे करना है आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को ए टू जेड प्रोसेस बताएंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जी, आप लोग को मेल टू जेड प्रोसेस बताएंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को छोड़कर आप लोग स्किप करके आप लोग देख जाकर वहाँ पर आप लोग वीडियो देखते हैं काफी सारे आप लोगों को फिर से आप लोगों को मेल भेजेगा, फिर मेल के रिप्लाई नहीं आएगा तो फिर आप बोलिएगा कि सर हम मेल भेजे फिर रिप्लाई नहीं आया तो फिर क्या करें। जी, आज के वीडियो में आप लोगों को बताएं कि आप लोगों को कैसे आप लोगों को वहां पर आप लोगों को सबसे बड़ी बात अच्छा तरीका से आप लोगों को मेल भेजना है और आप लोगों को क्या क्या प्रोसेस आप लोगों को करना है, आप लोगों को मेल टू जेड प्रोसेस आप लोग करेंगे। आप लोग ध्यान दे सके, आप लोग इस चैनल पर नए होंगे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे, हमारे चैनल पर अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कुछ भी यहाँ पर नोटिफिकेशन आए तो आप लोग को वीडियो बनाकर आप लोग को बता सके। जी, आज के वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को ई कल्याण में आप लोगों को कैसे डीओबी में आप लोगों को मेल करना है। जी, तो ये हम चलते अपना पीसी स्क्रीन पर आप लोगों को बताते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जी, आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हम चलते अपना पीसी स्क्रीन पर आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को कैसे कैसे आप लोग को अप्लाई करना है। यहाँ पर आप लोग को जान जाइए, जब हम पीसी स्क्रीन पर आ गए, जब हम मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की आप मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना, अगर आप लोग को डीओबी मिसमैच हो गया होगा तो आप लोग जान जाइए, जब आप ई कल्याण की वेबसाइट पर आ जाइएगा दिख रहा है तो मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन 2020 के लिए आवेदन करें। अगर आप लोग 2020 में अगर आप लोग पास किए होंगे, अगर आप लोग को डीओबी मिसमैच वाला आया होगा तो आप लोग को इस साइड से जाना है। अगर आप लोग को जान जाइए, अगर आप लोग 2021 वाले होंगे तो आप लोग को इस साइड से जाना है। जी, आप लोग को इस साइड से जाना है। आप लोग को मेल टू जेड प्रोसेस बता रहे हैं, आप लोग वीडियो को लास्ट जो देखेगा, यहाँ पर आने के बाद आप लोग को इस पर आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आप जान जाइए ई कल्याण के डैशबोर्ड पर आ गए। जी, ई कल्याण के हम डैशबोर्ड पर आ गए, यहाँ पर आप लोग इसको डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा। जी, आप लोग को हम ए टू जेड प्रोसेस आप लोग को बता रहे हैं। आप लोग यहाँ पर आने के बाद आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग को जान जाइए, ये डैशबोर्ड यहाँ पर आने के बाद आप लोग को देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग को जान जाइए से हमारा रेडी फॉर फाइव लिस्ट। जी, पेमेंट फाइव लिस्ट तक यहाँ पर जारी हो गया और डीओबी मिसमैच वाला लिस्ट भी जारी हो गया। अगर आप लोग को डीओबी मिसमैच वाला रिजेक्ट लिस्ट में अगर आप लोग को नाम है तो आप लोग को मेल करने के लिए यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं कि यही मेल आईडी है, यहाँ पर आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ई मेल आईडी का आप लोग को कैसे मेल करना हम आप लोग को इस वीडियो में आप लोग बता रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर आप लोग को इसका मेल का आप लोग इसका कॉपी कर लीजिए। जी, ईमेल कॉपी करने के बाद आप लोग को चलिए ये मेल हम कॉपी कर लेते हैं। मेल कॉपी करने के बाद आप लोगों को सबसे बढ़िया चलिए वहाँ पर आप लोग को हम चलते हैं अपना वहाँ पर आप लोग को चलते हैं मेल आईडी पर, आप लोगों को हम बताते हैं कि आप लोगों को कैसे कैसे मेल करना है। देख लीजिए, हम जो फ़ोन पर आ गए हैं, आप लोगों को फ़ोन से आप लोग करने का हम आप लोग को बताया था कि फ़ोन पर आने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि कंपोज पर आने के बाद आप लोग को सबसे पहले आप लोग को जान जो फर्स्ट में आप लोगों को फॉर्म में आप लोगों को मेल आईडी शो होगा अपना, और आप लोगों को टू में उनका मेल आईडी डालना है। जी, फोर में उनका आप लोगों को फॉर्म में आप लोगों को जान जाइए से आपका मेल आईडी रहेगा, टू में उनका मेल आईडी डालना है ई कल्याण वाले को, और सब्जेक्ट में आप लोगों को क्या सब्जेक्ट आप लोगों को किस बारे में आप लोगों को पूछना है उनसे वो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। चलिए, हम आप लोगों को टू में उनका सबसे पहले मेल आईडी डाल देते हैं। मेल आईडी डालने के बाद आप लोगों को चलिए कन्फर्म करते हैं। मेल आईडी डालने के बाद आप लोगों को चलिए यहाँ पर आप लोगों को सब्जेक्ट में आप लोगों को जान जाइए। जैसे यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को सब्जेक्ट में सबसे पहले आप लोगों को लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम कॉपी कर चुके हैं, आप लोग को चाहिए तो आप लोग को बोलिएगा, लिंक हमने आप लोग को डिस्क्रिप्शन में इस वाला लिखल आप लोग को हम प्रोवाइड करा देंगे। इसमें लिखा हुआ है सर आधार डीओबी मिसमैच होने के संबंध में। जी, आप लोग को देख सकते हैं, आप लोग को जैसे में आप लोग निबंध नहीं लिखते हैं या किसी तरह का आप लोग को जान जैसे खाता ही लॉक होता है या कुछ भी, अगर आप लोग को कौन पर आप लोग को निबंध लिखना पड़ता है उसी टाइप से आप लोग को सजा सजा के आप लोग को लिखना पड़ेगा। जी, हाँ, चलिए मान के एग्जाम्पल में आप लोग को ले लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि सर, देख लीजिए, हाय सर, आधार डीओबी मिसमैच होने के संबंध में आप लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, रोल नंबर डालना पड़ेगा और आप लोग को स्कूल का नाम डालना पड़ेगा। नेम यहाँ पर आप लोग को शो हो रहा है प्रीति कुमारी, जिसका आधार सुधार करवा लिया गया है और डॉक्यूमेंट भी अपलोड सबमिट कर दिया गया है। जी, मगर फिर से डीओबी मिसमैच शो हो रहा है, कृपया इसको जल्द से जल्द ठीक करने की प्रयास करें। जी, आप लोग को जान जाइए सुधार करने की कृपा करें। जी, आप लोग को ऐसा आप लोग को लिखना पड़ेगा, आप लोग ऐसे ऐसे आप लोग को जान जाइए। जैसे मैं आप लोग जान जाइए खाता बंद रहता है तो आप लोग नहीं खाता स्टार्ट कराते हैं। जी, खाता स्टार्ट करते हैं या किसी भी जगह पर आप लोग अप्लीकेशन लिखते हैं
वैसा आप लोग को अप्लीकेशन सजा सजा के आप लोग को लिख देना है जी, वैसा वैसा आप लोग को अप्लीकेशन सजा सजा के आप लोग को लिख देना। उसके बाद आप लोग को जनजेस जैसे आप अप्लीकेशन लिख दीजिएगा, उसके बाद आप लोग को क्या करना है, उसके बाद पर उनका मेल पर आप लोग को भेज दीजिएगा कि सर हमारी ये सब गलती है, ये सब सुधार कर लीजिए। तो आप लोग जन जी एस जब मेल आईडी आप लोग को जन जी एस ये आप ये सब इसलिए आप लोग को मेल करना है। ये मेल का आप लोग को रिप्लाई 7 दिन के आप लोग को अंदर में आप लोग को दिया जाएगा जी। आप लोग का मेल का आप लोग को रिप्लाई आप लोग को 7 दिन का अंदर में आप लोग को दिया जाएगा। इसी कारण से आप लोग को वीडियो बनाकर आप लोग को बता दें कि आप लोग को मेल ऐसे ऐसे करना है। काफ़ी सारे वीडियो पर आप लोग कमेंट किए हैं कि सर मेल कैसे करना है, आप लोग को उस पर आप लोग को वीडियो बनाएं। हम आज का वीडियो में आप लोग को बता दें कि आप लोग को मेल कैसे कैसे करना है। और आप लोग को कुछ भी पूछना है तो हमारे वीडियो के नीचे जरूर से कमेंट कीजिए, वहाँ पर आप लोग को रिप्लाई करने के हम पूरा प्रयास करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक हमारे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए जी। आज का वीडियो में आप लोग को बता दें कि आप लोग को मेल कैसे कैसे कहने वाले को भेजना है। चलिए आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना व्हाट्सएप में शेयर करने भूलिएगा। चलिए मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ, कुछ न्यू टॉपिक के साथ।